कसम मेरी मरीजों की, मॉडर्न सिटी में आकर तो तबीयत खुश हो जाती है यारी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो डॉक्टर झटका। यहाँ पर सब कुछ कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड है, कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, रोड पर कचरे का कहीं नामो निशान तक नहीं है। वो सब तो सही है, पर एक चीज की कमी यहाँ खल रही है और वो हमेशा रहेगी। और वो क्या है मोटू? अपने चाय वाले के समोसे। और क्या, उस जैसे समोसे पूरे मॉडर्न सिटी में कहीं नहीं मिलते। अरे पतलू, इन सब लोगों को क्या हुआ? सभी हाथ उठा उठा कर ठहाके मार रहे हैं, क्यों? अरे तुम्हें लाफ्टर थेरेपी के बारे में नहीं पता क्या? रोज कुछ मिनट ऐसे ही दिल खोल कर हंसने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। हम सब लाफ्टर क्लब के मेंबर हैं, जरा सी हंसी और सेहत भली चंगी। चुपचाप हमारे साथ कार में चलो, शोर मचाया तो अच्छा नहीं होगा। बड़े भैया, अगर हंसने से सेहत चुस्त दुरुस्त रहती है तो मैं भी ट्राई करूंगा। चुप करो मोटू। अरे ये कौन है, चुप करो इसे। अरे ड्राइवर जल्दी चलो। जाने किसकी आवाज थी? अरे हंसी थी कि भूखा, चला चलकर मिलते हैं। पूरे प्लान का सत्यानाश कर दिया। ये मंत्री हमारे कब्जे में आते आते रह गया, छोड़ेंगे नहीं उसे। ए, रुक जाओ, तुम ही हंसे थे ना? मोटू भागो, लगता है उन लोगों को तुम्हारी हंसी पसंद नहीं आई। आ जाओ। अरे मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम भी हंसकर देखो, मन खुश हो जाएगा। मैंने फुरपुरी नगर पर काफी ज्यादा रिसर्च किया और मुझे इस शहर का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया है। मैं एक बिल्डर हूँ, बिल्डर। मैं फुरपुरी नगर की इस जमीन पर एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ये जगह खाली कर दे। हम अपने फुरपुरी नगर को कभी भी खाली नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे, हम ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, कभी अपना शहर खाली नहीं करेंगे। तुम जैसे कितने आए और चले गए। मैं एक कमरे की जगह 10 कमरों की जमीन दूंगा, 2 कमरों की जगह 20 कमरों की जमीन दूंगा, 5 कमरों की जगह 50 कमरों की जमीन दूंगा। फिर से ऑफर देने की हिम्मत की? अच्छा, ऑफर दे के भी मत। एक कमरे की जगह 10 कमरे देगा? अरे मैं तो होटल बना लूंगा। 2 कमरे की जगह 20 कमरे, 5 की जगह 50 कमरे। अरे ये ऑफर तो अच्छा है। पकड़ो उसे, वो गिरने लग रहा है। हाँ हाँ पकड़ो। हम तैयार हैं। भाइयों इन्हें बता दो कि हम बिकने वालों में से नहीं है। ओके ओके, हम बिकने के लिए तैयार हैं। हम बिकने के लिए तैयार हैं। ओके। तो अपने मकान के कागज लेकर मेरी जमीन पे आ जाओ, जो जितना चाहे उतना कब्जा कर लो। सुनो, रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ है। रुक जाओ। ये देखिए, जहाँ तक नजर जाए वो सब मेरी जमीन है, और वो दूर जो बंगला है वो भी मेरा है। आज से ये जमीन आप सबकी हुई। अपने अपने मकान के पेपर्स देते जाओ और जमीन पे जितना चाहे कब्जा करते जाओ। अपना मकान
अपना काम बनता, फिर चाहे लड़ते रहे सारी जनता, अपने को क्या करना। ए, ये जगह मैंने पहले देखी थी। देखने से तुम्हारी हो गई क्या? मैं चांद को देख लूं तो क्या वो मेरी जगह हो जाएगी? पहले मैंने अपना बांस लगाया है। ये ले तेरा बांस। कोई पुलिस स्टेशन के लिए भी तो जगह छोड़ दो। Stop it, animal floor! ये जमीन आज से पुलिस स्टेशन का हुआ। अगर आप मेरी काम शुरू करो। मजा आ गया देखे। ये कैसा खेल है पतलू? अरे ये लोग इतनी लंबी लकड़ी से इतनी सी बॉल को क्यों मार रहे हैं? जैसे हम लोग उंगली से कंचे खेलते हैं। अरे भैया तुम भी उंगलियों से खेलो ना। अच्छा हाथ से खेलोगे? लो खेलो। अरे कंचे समझ कर ही खेल कर दिखाओ। हाँ खेलो खेलो। जा 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 गया। अरे देखा ना, गई ना बॉल सीधा होल में। अरे डंडे से तो हम लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं भाई। एक्सक्यूज मी, ये कंचे नहीं बिलियर्ड्स है। इसे इस स्टिक से खेलते हैं। हिम्मत है तो आओ और सही तरीके से खेलो। मैं जीता तो तुम्हारे सारे शॉपिंग बैग्स मेरे, और तुम जीते तो वो सब शॉपिंग बैग्स तुम्हारे। अरे मोटू रुक जाओ, ये लोग तुम्हें बुद्धू बना रहे हैं। देखो तुम जीतोगे तो तुम्हारे ही शॉपिंग बैग्स तुम्हें ये दे देगा। शॉपिंग बैग तो पहले से ही तुम्हारे पास है, मतलब चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, और सिक्का इनके डैडी का। सोच लो, एक बार शर्त लग गई तो तुम पीछे नहीं हट सकते। बोलो मंजूर है चैलेंज? क्या फुरफुरी नगर वालों को चैलेंज मंजूर है? ओह नो। तुमसे कंपटीशन करना तो बस फॉर्मेलिटी है। फिर भी चलो, गेम स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक शॉट लगा कर दिखाता हूँ। ओके बढ़िया, अब मेरी बारी। अभी नहीं, जब तक मैं कोई शॉट मिस नहीं करता मेरी ही चांस रहेगी। ठीक है, लो मारो। ओह नो, नहीं गई, नहीं गई। मोटू अब तुम्हारी बारी। ला लाओ। अरे मोटू जब तुम मैदान में उतर ही गया है तो जीत कर ही लौटना। बेस्ट ऑफ लक मोटू। समोसे। स्क्रीन टेन प्रोजेक्टर लगाओ, अब इसे ऑन करते हैं। टेन ऑन। चुप जाओ। समोसे। मोटू बेटा। कौन कौन बोला? पापा आप? मैं आपको बहुत मिस करता हूँ पापा। हिम्मत से काम लो मोटू बेटा, और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं शहर के बाहर के ओपन प्लॉट में एक मकान बनवाना चाहता था,
लेकिन कभी बना नहीं पाया। क्या तुम मेरा ये सपना पूरा करोगे बेटा? हाँ पापा, जरूर करूंगा। लेकिन वो शहर के बाहर है कहाँ? उसका नक्शा तुम्हारे बॉक्स में रखा है। वो जमीन खरीदने के लिए अपने सारे पैसे लगा देना बेटा। जरूरत पड़े तो अपने दोस्तों के घर के कागजात भी रख देना और बंगला बनाने के लिए अपना ये घर भी बेच देना मोटू बेटा। लेकिन मेरा ये सपना पूरा जरूर करना। क्या तुम ये सपना पूरा करोगे बेटे? जरूर करूंगा पापा। बस अब मेरे दिल को तसल्ली मिल गई बेटा। अब मैं चलता हूँ बेटा। पापा, बाबूजी। अरे ये कौन आधी रात को मेरे ऊपर पानी छिड़क रहा है? मेरे सपने में मेरे पापा आए थे। वो शहर के बाहर एक प्लॉट पे बंगला बनाना चाहते थे। उस जमीन का नक्शा हमारे घर के संदूक में है। मैं अभी दिखाता हूँ, अभी। मोटू, कहा गया? अरे मोटू, क्या कर रहे हो? मुझे तो तुम अभी भी नींद में ही लग रहे हो। अरे पतलू, मैं नींद में नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अब नींद से जागा हूँ। ये देखो जमीन का नक्शा। मुझे इस जमीन पर पापा के सपनों का बंगला बनवाना है, बंगला। अरे मोटू, ये नक्शा हमारे संदूक में कैसे आया? जरूर कोई तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। नंबर दो, अब देखना कैसे ये एक नक्शा मोटू के जीवन की दिशा और हमारी दशा बदल देगा। पापा, मैंने जमीन ढूंढ ली है पापा। ए भाई, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मेरा नाम दुधिया पहलवान है और ये जमीन मेरी है। मेरी? चलो निकलो यहाँ से। जानता हूँ बड़े भैया, जानता हूँ, पर मुझे ये जमीन चाहिए। तुम मुझे ये जमीन कितने में बेचोगे? फिसले करके बंगले पे फिसलने लगे लोग। नंबर 1 नंबर 2, सुनो, ये इस जंगल के ऊपर लिखी किताब है, खुली किताब। इसमें लिखा है कि इस जंगल के पूर्वी दिशा में जादूगर फिसले कर का बंगला है और उसमें जो भी जाता है वो अंदर फिसलता ही रहता है, कभी भी बाहर नहीं आ पाता। तो क्या हुआ बॉस? मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आ रहा है। अब देखो जॉन की खोपड़ी का कमाल। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे बेटे, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ मोटू? मोटू अंकल, मुझे जंगल में फिसले कर बंगले में कैद करके रखा गया है और ये अंकल ना मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं। प्लीज मोटू अंकल, मुझे बचाइए, प्लीज छुड़ा के ले जाइए, प्लीज। हाँ हाँ बेटे, जरूर छुड़ाऊंगा। कौन बोल रहे हो तुम? जान बनेगा डॉन। मोटू पतलू, तुम इस बच्चे को मुझसे नहीं छुड़ा सकते। जॉन, उस बच्चे को छूना भी मत। मैं आ रहा हूँ उस बच्चे को छुड़ाने के लिए। मोटू, ये देखो क्या लिखा है। देखो, अंदर जाओगे तो फिसलते ही रह जाओगे। पतलू, हमें बच्चे को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे भी हो, जल्दी चलो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम सब अंदर जाओगे तो फंस जाओगे। हट जाओ चौकीदार, हमें बच्चे को बचाना है। अरे रुको, सुनो तो। हाँ? बच्चा? कौन सा बच्चा? लगता है पागल हो गए सबके सब। बच्चा कहाँ है? कहाँ है बच्चा? अरे कोई रोको। मेरे भाइयों, मेरी हेरो लगता है यहाँ सालों से साफ सफाई का कोई काम नहीं हुआ। बड़ी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में आज तक फिसलने वाला घर को भी नहीं देखा। अरे क्या फिसलन है इस फिसले कर बंगले में? सही नाम रखा है। हाँ मोटू, चलो उस बच्चे को देखते हैं कहाँ है।
अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।